दोस्तों, अगर आपने अपने आईफोन को iOS 11 में अपग्रेड कर दिया है तो आपको पता ही होगा कि जब भी आप अपने आईफोन में स्क्रीनशॉट लेते हैं उस टाइम पे जो स्क्रीनशॉट कैप्चर होता है उसकी छोटी सी थंबनेल लेफ्ट साइड के बॉटम में आ जाती है और वहाँ से टैप करके आप उसे एडिट कर सकते हैं। लेकिन आप उसे एडिट नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्टली उसे कैसे सेव कर सकते हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप उसे बिना एडिट किए कैसे सेव कर सकते हैं। आप देख रहे हैं टेकी प्रशांत, तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, अगर आपने अपने आईफोन को iOS 11 में अपग्रेड कर दिया है तो आपको पता ही होगा कि जब भी आप स्क्रीनशॉट लेते हैं तो उस टाइम पे यहाँ पे लेफ्ट में वो थंबनेल बताता है और बाद में आपको उसे टैप करना है। जैसे आप उसे टैप करेंगे तो पूरी जो थंबनेल है वो एडिट मोड में आ जाएगी, यानी जो स्क्रीन कैप्चर है, और बाद में यहाँ से आप डन प्रेस करके उसे सेव कर सकते हैं। अगर नहीं सेव करना है तो डिलीट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको डायरेक्टली उसे सेव कर देना है तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको ये स्क्रीनशॉट लेना है। जैसे स्क्रीनशॉट आ गया, सिंपली लेफ्ट में आपको स्वाइप कर देना है। जैसे स्वाइप कर देंगे तो वो स्क्रीनशॉट डायरेक्टली यहाँ पे गैलरी के अंदर सेव हो जाएगा। फिर से मैं आपको बताता हूँ, जैसे ही आपका स्क्रीनशॉट आ गया तो सिंपली उसे लेफ्ट में स्वाइप कर दीजिए। जैसे ही स्वाइप कर देंगे वो डायरेक्टली सेव हो जाएगा और एडिट के लिए वहाँ पर वेटिंग में नहीं रहेगा। तो एक सिंपल ट्रिक है कि आप डायरेक्टली जो स्क्रीनशॉट आया है उसे कैसे सेव कर सकते हैं। अगर आप सेव नहीं करें तो उसे थोड़ी देर के लिए, जैसे अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको थोड़ा वेटिंग में होगा, वेटिंग जैसे ही टाइम आउट होगा तो वो अपने आप भी सेव हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहें कि आपको उसे इमीडिएटली रिमूव कर देना है तो आप उसे इमीडिएटली रिमूव कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल का बटन है उसे भी टैप कर दीजिए, तो जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा तुरंत आपको अपने आईफोन या तो फिर एंड्रॉइड डिवाइस में पुश नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप मेरा नया वीडियो देख पाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।